नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकार, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों मैं आज मेरा जो रोज़ की प्लांट है उसको उसका जो क्या अपडेट मैं आपको बताऊंगा, और दोस्तों ये भी बताऊंगा कि बर्ड्स आने के बाद रोज़ प्लांट को कैसे केयर किया जाता है उसके ऊपर भी मैं पूरा बताऊंगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर मेरा अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। ये जो मेरा रोज़ प्लांट है मैंने इसको प्रूनिंग किया था। प्रूनिंग के बाद जो है ये मैं एक वीडियो अपलोड किया था आपके सामने, तो उसमें जो कि मैंने कितने ब्रांच निकला है उसी को मैंने दिखाया था। तो दोस्तों देखिए, अभी ये ब्रांच निकालने के बाद ये इसका जो बडिंग भी शुरू हो गया है। आप देखिए ये जो बर्ड्स, मतलब क्या ना, ये सारे जो आप देख रहे हैं इसमें ये बर्ड्स है, ये देखिए ये बर्ड्स, ये भी बर्ड्स है, ये भी है। तो दोस्तों ये भी इस तरफ भी है, देखिए ये। तो दोस्तों ये सारा, मतलब जितने इसमें से ब्रांच निकला है उतने ब्रांच में, मतलब क्या ना, अभी फ़िलहाल ये बर्ड्स है। तो दोस्तों ये येलो वाला है, और मेरा जो रेड वाला है ये ऑलरेडी एक खिल चुका है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा, मतलब क्या ना, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ अभी, गर्मी मतलब इतना सर्दी जो है नहीं आया, इसीलिए क्या ये बड़ा नहीं हुआ। तो अभी जो है इसका जो शूट्स निकल रहा है, अभी देखिए ये सारा जो है शूट्स इसमें से निकल रहा है, ये भी है, ये भी है। तो ये शूट्स जो है ये अभी निकलने के बाद जो है जो इसका जो बर्ड आएगा उसमें तब तक जो है वो ठंडी आएगा, तो फिर इसका जो बर्ड्स जो है ये जो फ्लावर जो है ये बड़ा होगा। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल जो है रेड वाला में एक दो बर्ड्स ही दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये इसमें मतलब कहना आने वाला है ये बर्ड्स रेड वाला में। लेकिन ये पीला वाला जो है इसको इसमें मतलब बहुत सारा है, 6-7 बर्ड्स इसमें, 5 बर्ड्स इसमें है। तो दोस्तों इसको बर्ड्स आने के बाद जो है इसको केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक जो है मैंने आपको बताया था कि प्रूनिंग के बाद कैसे किया केयर किया जा सकता है, तो उसके ऊपर भी मैंने जो वीडियो अपलोड किया वो भी मतलब इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं लिंक डाल दूंगा, और आई बटन पे भी लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं दोनों में से, मतलब कहना इसमें से भी शूट निकल रहा है, ये भी मतलब ये सारे लगभग निकल चुका है, थोड़ा बहुत अभी निकल रहा है और भी निकलेगा ये, जैसे ही मतलब ये बर्ड्स ख़त्म हो जाएगा फिर इसको थोड़ा सा प्रूनिंग कर देंगे, शॉर्ट मतलब जो है हल्का प्रूनिंग जो है उसको सॉफ्ट प्रूनिंग कर देंगे, तो फिर इसमें से नया शूट्स और निकलेगा और अच्छा बडिंग करेगा, तो और अच्छा फ्लावर भी आएगा। तो दोस्तों इसका केयर अभी जो है जो हैवी फीडिंग नहीं करना है, जो भी करना है थोड़ा बहुत करके 10-12 दिन के बाद या 15 दिन के बाद इसको बोन मिल, थोड़ा बहुत कंपोस्ट आप दे सकते हैं, और बीच बीच में थोड़ा सा सरसों का खली भिगो के आप मतलब कहना 24 आवर्स के बाद उसको पानी में डाइल्यूट करके बीच बीच में आप दे सकते हैं। तो दोस्तों उसी से क्या है पौधे का जो हेल्थ है वो भी ठीक रहेगा और अच्छा फ्लावरिंग भी करेगा पूरा विंटर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।